देखिए जनरेटर के बारे में पहले भी हम शुरू किए थे, पढ़ाए थे, जिसमें फर्स्ट में आया था जो डायनमो जनरेटर परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा है जो भाग बटा हुआ है, और एक एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड। आज जो पढ़िएगा डायनमो के बारे में हम बता दें, जो परमानेंट मैग्नेट जिसमें रहता है उसमें एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी में जो परमानेंट मैग्नेट है उसके बीच में मैग्नेट के बीच में अगर कंडक्टर घुमाया जाएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न जो होता है उसके मैग्नेट के पावर के पर उत्पन्न होता है। तो वो है जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट जिसमें रहता है वो डायनमो जिसको कहते हैं, जो तो पहले हम बता चुके हैं। अब यहाँ है ई की सेल्फ एक्साइटेड और एक एक्साइटेड, ये जनरेटर जो है वो क्या है। देखिए ये एक्साइटेड जनरेटर में कौन कौन से भाग रहता है। एक है ये देखिए वाइंडिंग, जो अलग से दिखाया गया है ये वाइंडिंग है, और ये आर्मेचर है, ये कारण बड़ा था वो बाकी लोड के लिए है। अब देखिए इसमें जो है यही है कि क्या है एक्साइटेड जनरेटर, या कितने इसके बीच में अगर आर्मेचर घुमाते रहिए वाइंडिंग करके ले लीजिए, इसके बाद घुमाते रहिएगा कोई वोल्टेज इसमें उत्पन्न नहीं होगा, आउटपुट में वोल्टेज लगाइए नहीं होगा। वो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि इस वाइंडिंग को एक्साइट करना पड़ता है, फील्ड वाइंडिंग, इसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो उसको मैग्नेट बनाना है, तो मैग्नेट कैसे उसमें उत्पन्न होगा इसके चलते हम लोग उसको एक्साइट करते हैं, मतलब बैटरी अलग से वोल्टेज उसमें देते हैं, डीसी वोल्टेज चार्ज करते हैं। ये देखिए यहाँ बैटरी लगा दी है, ये है ये फील्ड वाइंडिंग है। यह क्या है इसका, पहले ये समझ लीजिए कि यह बहुत पतला तार में होता है, फील्ड वाइंडिंग बहुत पतला तार में होता है और अधिक टर्म में होता है, यही चार कोर पर वाइंडिंग के रहता है, जिसको चार पोल या दो पोल बनाया जाता है। लेकिन तब तक उसमें क्या है, जब यह लगाइए और उसको आर्मेचर घुमाया जाएगा तो उस वोल्टेज में नहीं होगा क्या हो? अब देखिए इसमें क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से बैटरी से वोल्टेज में चार्ज करते हैं। जैसे यह इस पर डायग्राम देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये क्या है कि इसमें एक स्विच लगा दिए, टर्मिनल स्विच लगा दिए, बैटरी है, ये रोस्टेड है, रोस्टेड रेजिस्टेंस जिसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग रोस्टेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसको क्या करते हैं, इसका जैसे डायग्राम है उस तरह से आप उस फील्ड को वाइंडिंग को उसको जोड़ दीजिए, जो यह है इसका ये एफ वन हो गया, ये एफ टू हो गया, फील्ड वन फील्ड टू का टर्मिनल हो गया, वो लेने के बाद में इसको स्विच के साथ जोड़ दिए, बैटरी के साथ जोड़ दिए, और रोस्टर के इसके सीरीज में ऐसे जोड़ दिए। अब क्या हुआ, जब हम बैटरी से हम चार्ज ऑन करेंगे, जो इतना बैटरी माने 12 बैटरी 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, आपका आज पर कम से कम 9 वोल्ट का बैटरी इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद में इसको जैसे और बैटरी चार्ज हो जैसे ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद में क्या रोस्टर इसमें कितना इसमें जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और इसको जब चलाइएगा तब क्या होगा, ये पोल के अंदर में हो जाएगा, ये क्या होगा इसमें मैग्नेट, इसमें क्या हो करेंट, इसमें बैटरी थ्रू इसमें डीसी वोल्टेज आएगा। डीसी वोल्टेज आने के बाद में क्या होगा, जस्ट वह पोल जो है, जो चार पोल बना हो या दो पोल बनाया हो जनरेटर, तो उसमें जो मैग्नेट उत्पन्न होने लगेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका वोल्टेज जब तैयार होते चलिए कि 9 वोल्ट हम चार्ज कर दिए हैं, इसके बाद में इसको आप हटाकर स्वतः आप चाहे इसको देख दे रहिए और इसको आर्मेचर से घुमाइए, जो जो घूमते चला जाएगा, या आप जैसे ही हो जाए तो इसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, आप यूं ही छोड़ दीजिए, इसको चलाते रहिए। नतीजा है जैसे 9 वोल्ट इसमें बैटरी जिसमें जैसे 9 वोल्ट उसमें डीसी जाएगा तो डीसी मैग्नेट उसमें उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने लगे, नतीजा है आर्मेचर से इकट्ठ होने लगे और धीरे धीरे वोल्टेज आपका यहाँ मिलने लगेगा, आउटपुट में वोल्टमीटर लगाइए और मिलता चला जाएगा। अगर इसको आप नहीं ऐसा करते हैं, अगर हम बैटरी चार्ज हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई वोल्टेज आप जितना घुमाते रहिए कोई वोल्टेज आपका आउटपुट नहीं करेगा। ये है एक्साइट जनरेटर का पहचान, और इसे हम लोग ऐसे शुरू करते हैं। और अब इसके बाद इसी को इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आता है, खर्चा अधिक हो जाता है, नतीजा है उसके बाद इसी का भाग बनाया गया सेल्फ एक्साइटेड, मैंने एक्साइट करने की जरूरत नहीं, एक्साइट का मतलब अलग से
डीसी वोल्ट देने की जरूरत नहीं है। ये उसको कहते हैं सेल्फ एक्साइट। ये क्या है, इसमें डिटेल जो है हम बाद में दीदी जनरेटर का भाग आया तो हम डिटेल बना के हम दिखा देंगे। अभी आप ये अभी जो है आईपी डायग्राम शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको कि यह सेल्फ एक्साइटेड होता है। सेल्फ एक्साइटेड होने से क्या हुआ, एक्साइट होते रहता है वो, उसमें रेसिडुअल मैग्नेट बनते रहता है, तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये आर्मेचर जो पोल के अंदर बीच के घूम रहा है उसमें एक कट करता है, और कटने के बाद में वो वोल्टेज इंड्यूस होता है। वह वोल्टेज आपका यहाँ वोल्ट मीटर के द्वारा आप देख सकते हैं। अब इसका क्या है, आप इसी को लोड ले सकते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आ जाएगा इसमें देखिएगा, आज ये प्रैक्टिकल घर जैसे वर्कशॉप वगैरह में जाइए वहाँ पर डिटेल आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ कैसे हम उसको वोल्टेज, जब तक तो नहीं दिएगा वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, जैसे घूमेगा आर्मेचर ये वोल्टेज आउटपुट होने लगेगा, इसलिए इसका नाम हुआ सेल्फ एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड का तीन भाग बांट दिया गया, वो है आपका सर जनरेटर, दूसरा है श्री जनरेटर, तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। ये तीनों जो है हम दूसरे दिन बताएंगे, ये पहले जान लीजिए। बाकी सबसे बड़ी समस्या आपके पास क्या आएगा वो देखिए क्या है कि ये टर्मिनल खोजना, ये बहुत विकट समस्या है कि आप नहीं कर खोल पाइएगा तो कनेक्शन उल्टा होगा और जस्ट सब उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये कनेक्शन जो है इसके कैसे खोजेंगे ये डिटेल हम फ्राइडे सैटरडे को ही बताएंगे, प्रैक्टिकल में आपको सब हम जानकारी दे देंगे। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट दूसरे दिन बताएंगे।